हे भैया लोग, आज हम आए थे बगीचे में इधर घूमने के लिए। यहाँ का बगीचे में आप देख सकते हैं बहुत बहुत सब फल लगा हुआ है। देख सकते हैं इधर छोटा सा स्विमिंग पूल भी है जिसमें मच्छी जिलाया हुआ है। मैं आपको भी दिखाता हूँ दोस्तों, ये छोटा सा स्विमिंग पूल है, इसमें मच्छी जिलाया हुआ है। उधर देखो मेंढक लोग कैसे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े मेंढक लोग हैं, साइड साइड से सब बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े मेंढक हैं। इसके अंदर एक इधर बैठा हुआ है पानी के अंदर, इसके अंदर मच्छी है, मच्छी जिलाया हुआ है इसके अंदर। हाँ, हर प्रकार का फल लगा हुआ है। देख सकते हैं आम का झाड़ है, ये चीकू का झाड़ है, ये सब चीकू का झाड़ है। इसमें चीकू लगा हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ आपको चीकू का झाड़ किधर है। भाई ये चीकू का झाड़ आने वाला है, आप देख सकते हैं इसमें चीकू बड़ा बड़ा लगा हुआ है, ढेर सारा। आप बता सकते हैं ये कौन सा झाड़ है, इसमें अच्छा फल लगता है। ये देखिए इसमें चीकू लगा हुआ है, ये बड़ा बड़ा चीकू लगा हुआ है, ये चीकू, यह चीकू देख सकते हैं, ये चीकू है, इतना बड़ा चीकू है। गाइस, हम आप लोग को चीकू का झाड़ दिखा चुके हैं, अभी हम काजू का झाड़ दिखाएंगे। चीकू और काजू में क्या अंतर है, इधर लगा हुआ कि नहीं चीकू यार, ओ सॉरी। ये देखिए इधर काजू का झाड़, काजू आ चुका है इसमें, ये काजू है, इसके ऊपर ये काजू का फल रहता है जिसमें पूरा जूस ही भरा रहता है, आप देख सकते हैं गाइस। अच्छा है ना गाइस, देखो चीकू कैसा होता है, सॉरी सॉरी, ये मतलब काजू, देखो देख सकते हैं अभी काजू लगना स्टार्ट हो चुका है। इसमें मूंगी बहुत है यार, हाथ में चढ़ रहे हैं, काट रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर पाइन एप्पल कैसे हो रहा है। अभी छोटा छोटा पाइन एप्पल है, देख सकते हैं इधर बहुत से झाड़ हैं पाइन एप्पल के, सब पाइन एप्पल के झाड़ हैं। आगे भी और पाइन एप्पल के झाड़ हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। केले का भी झाड़ है इधर, नींबू का झाड़ है, पेरू का भी झाड़ है, पेरू का झाड़ इधर है, आप देख सकते हैं इधर कितना सारा काजू लगा हुआ है। इधर काजू ही काजू है, देख सकते हैं कितना काजू लगा हुआ है। अभी काजू का मौसम चल रहा है, देख सकते हैं पाइन एप्पल का कैसा है फल। इसमें मतलब नीचे से कई फल आते हैं, एक दो तीन चार पाँच, इसमें से छोटा 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 करके आएगा, कम से कम छः सात पीस ऐसा हो जाएगा। अभी ये बड़ा है ना, इसके साइड साइड से भी छोटा छोटा आ रहा है, देख सकते हैं आप। इसमें भी पाइन एप्पल लगेगा, इसमें भी पाइन एप्पल लगेगा, सब में पाइन एप्पल लगेगा गाइस, देख सकते हैं कितना रेड है, बाद में हरा होता, हरे से फिर पीला पीला हो जाता खाने तक, देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। इसका झाड़ भी आप देख सकते हैं, ये अकेले सिंगल पड़ा हुआ है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये इधर नींबू का झाड़ है, देख सकते हैं आप इधर नींबू का झाड़ है। अभी इसमें तो फल आना स्टार्ट नहीं हुआ है ना, फूल आना स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी इसका सीजन आ चुका है। इधर भी है देख सकते हैं, और ये जो है सुपारी का झाड़ है, ये वाला, ये सुपारी का झाड़ है, बराबर क्लियर नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये साइड से, ये सुपारी का झाड़ है, ये सुपारी का झाड़ है, देख सकते हैं गाइस इसमें सुपारी लगता है। नारियल का भी झाड़ दिखाता हूँ, अभी तक तो नारियल का झाड़ में नारियल नहीं आया हुआ है, अभी छोटा ही है, मैं आपको दिखा सकता हूँ नारियल का भी झाड़, देख सकते हैं ये नारियल का झाड़ है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, इसमें नारियल आना भी नहीं स्टार्ट हुआ है। ये नारियल का झाड़ है, अभी छोटा ही झाड़ है ये, आप देख सकते हैं। इधर केले का झाड़, हर प्रकार का झाड़ लगा हुआ है, पेरू है, अमरूद है, नींबू है, सब कुछ है। इधर का ये बगीचा है, देख सकते हैं आप, एक चीज़ नहीं लगा हुआ, बहुत सा चीज़ लगा हुआ है। इधर काजू का भी झाड़ है, ये पता नहीं कौन सा फल है भाई, आप देख सकते हैं अभी इसमें आना स्टार्ट हो गया है, खाने में भी अच्छा लगता है ये, ये देख सकते हैं, मैं नीचे ला के दिखाता हूँ आपको, ये भी बेस्ट फल है, आप देख सकते हैं अच्छा फल है ये भी, इसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें आएगा ना तो एक ही साथ में पूरा झाड़ में पत्ते पत्ते में आ जाता है इसमें पूरा फल, आप देख सकते हैं गाइस।
सकते हैं गाइस कितने ढेर सारे चीकू लगे हुए इस झाड़ में। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फल लग चुके हैं इसमें। चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना इसमें का चीकू लग चुके हैं। और काजू का मत पूछो, काजू भी दबा के आ रहा है फूल। अभी देख सकते हैं सब में फूल आ चुका है काजू के झाड़ में, सब अभी स्टार्ट हो गया। देखो ये, देखो ये रहा काजू, ये नीचे का हिस्सा ये काजू है, इसमें ये फल है, ये खाया जाता है, ये भी खाया जाता है। इस अभी आ चुका है, अभी यही स्टार्ट हुआ है काजू आना। देख सकते हैं इधर भी है काजू का झाड़, ये साइड में भी काजू का झाड़ है, ये इधर भी काजू का झाड़ है। आप देख सकते हैं इधर भी काजू का झाड़ है। उसके बाद में ये पता नहीं कौन सा झाड़ है गाइस, मुझे तो नहीं मालूम पड़ा, लेकिन ये साइड का भी, ये इधर भी काजू है। और ये साइड में जो मैं आपको बताया था ना कि वो झाड़ का मुझे नाम पता नहीं है, वो वही झाड़ है, लेकिन इसमें फल या फूल कुछ भी नहीं आया हुआ है। ये वाला बादाम का झाड़ है साइड में जो है ना, बहुत बड़ा दरख्त है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा झाड़ है, ये बादाम का झाड़ है, देख सकते हैं ये बादाम का झाड़ है। कटहल का भी झाड़ है, आप देख सकते हैं कटहल भी है, बादाम का झाड़ है। क्या हुआ रे भाई, क्यों काँव काँव कर रहा है तेरे बगीचे में, इसके लिए काँव काँव कर रहा है? देख सकते हैं ये नींबू का झाड़ है, ये 100 पीस के लिए पता नहीं कौन सा झाड़ है, ये बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं जंगल झाड़ी में आके ऐसा लग रहा है, लेकिन है ये बगीचा है पूरा, यहाँ हर प्रकार का फल फ्रूट लगा हुआ है। ये लीची का झाड़ आ चुका है, आप देख सकते हैं इधर लीची का झाड़ है, ये सब लीची का झाड़ है। इसका भी मौसम आने वाला है, लीची इसमें भी आएगा फल, अभी तो इसमें एक बार भी नहीं फूल आया है ना फल आया है, इस बार हो सकता आ जाए थोड़ा बहुत। गाइस देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा ये बगीचा नहीं है, छोटा सा ये, लेकिन इसमें हर प्रकार का फ्रूट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं गाइस। ये दो चीकू का मैं दिखा चुका हूँ आपको, और ये कौन सा झाड़ है ये नहीं मालूम पड़ता है, इसमें ये भी फल ही है, इसमें आता है कटहल के जैसा सेम फल रहता है, ये भी खाया जाता है, पका पका झाड़ रहता है, ये भी एकदम कटहल के जैसा रहता है सेम। आप बता सकते हैं कौन सा फल है?